Hello everyone. So we are from Team Safdarjung and we are going to present today Eczema Grill. So this is my team. I am Dr. Ankita. I will be acting as the SR present in the ward. I am Dr. Garima. I am acting as patient. I am Dr. Achita, acting as patient relative. I am Dr. Vitusha. I will be acting as the sister. I am Madhvi. I will be acting as a PG first year in the ward. I am Dr. Asya, presenting third year PG. And so the scenario is that this is the antenatal ward and we have a patient who has suddenly thrown a seizure in the ward, and this is how the drill goes. Thank you. गरिमा, तुम्हारी बेटी की मेडिसिन का टाइम हो गया है। क्या हो गया? मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। कब से दर्द हो रहा है तुम्हारे? मैं डॉक्टर, अरे डॉक्टर जल्दी आओ, मरीज को सीजर आ रहा है, जल्दी आओ डॉक्टर। डॉक्टर आशिया, डॉक्टर माधवी, कम फास्ट, पेशेंट इज हैविंग सीजर। हेड टिल्ट डन, लेफ्ट लेटरल डन। सिस्टर, यू प्लीज गेट द क्रैमशॉट ट्रे। यस मैम। ओके, द सीजर हैज पास्ड ऑफ। डॉक्टर आशिया, आप प्लीज इसका एयरवे चेक करो। यस मैम। ओके, प्लीज पुट गुडेल्स एयरवे एंड डू द सक्शनिंग। बहुत सारी सेक्रीशंस हैं। एंड आल्सो गिव हर ऑक्सीजन, स्टार्ट ऑक्सीजन एट 5 टू 6 लीटर पर मिनट। डॉक्टर माधवी, आप वाइटल चेक कीजिए, सिक्योर एन आईवी लाइन एंड टेक द रिक्वायर्ड सैंपल्स। सिस्टर, गिव इंजेक्शन मैक्स एंड लोडिंग डोज, 4 ग्राम आईवी फ्लो फॉलोड बाय 5 ग्राम डीप आयरन इन बोथ द बटन। सैंपल्स फॉर सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, कोएगुलेशन प्रोफाइल एंड ब्लड ग्रुप एंड क्रॉस मैचिंग हैव बीन टेकन। चेस्ट इज क्लियर मैम। डीप आईएम इन बोथ द बटन्स हैव बीन गिवन, 5 ग्राम ईच। ओके सिस्टर, इसको प्लीज इंजेक्शन लोबेट भी दे दो, 20 mg आईवी स्टैट। यस मैम। कैन यू प्लीज कैथेटराइज द पेशेंट डॉक्टर आशिया? यस मैम। मैम, लोबेट 20 mg आईवी एंड लोडिंग 4 ग्राम आईवी मेक्सिलफिन हैज बीन गिवन। ओके, कैन यू प्लीज टेल मी द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट डॉक्टर आशिया साइड बाय साइड? यस मैम। शी इज 30 ईयर ओल्ड, प्राइमरी ग्रेविडा, एडमिटेड येस्टरडे फ्रॉम ओपीडी इन व्यू ऑफ रेज्ड बीपी with diagnosis of preeclampsia without severe feature. She was on Lobate 100 mg TDS ma'am, and now that she has thrown seizure. Okay. Patient has been catheterized. There is 50 ml clear urine in the urine bag. Ma'am, her parabdominal examination is 34 weeks, fundalitis 34 weeks, relaxed, cephalic, future heart rate is fine ma'am, it is 142 beats per minute. Her PV examination, cervix is 2 finger tight, early phase posterior and membrane is present ma'am. Okay, Dr. Asha, you please go and debrief the relatives about this, and Dr. Madhvi, you please talk in the HQ. Yes, and inform them that we are shifting the patient over there. I'll yes, inform the consultant on call. Yes. आप गरिमा के साथ है ना, बैठिए। आपकी मरीज को कल भर्ती किया था ओपीडी से, अब अधिक बीपी होने के कारण हमने कल एडमिट किया था। बीपी, आपकी मरीज को अधिक बीपी होने के कारण दौरे पड़ गए हैं, तो मरीज ठीक है अभी, आपकी बच्चा भी ठीक है। अधिक बीपी बढ़ने से क्या होता है कि दिमाग की नसें फटने का खतरा रहता है, और दौरे भी पड़ने का एक कॉम्प्लिकेशन है, दिल जिगर गुर्दा भी फेल होने का चांस। मेरी मरीज तो बिल्कुल ठीक थी, मैं सुबह उसको देख के आई हूँ, तब तो बीपी भी ठीक था। हाँ, लेकिन उसके बाद हो सकता है अचानक से बीपी बढ़ी हो। मरीज को हम ऑलरेडी मैक्सिमम दवाई दे रहे हैं बीपी कम करने की, तो मैं आपको बताती हूँ आगे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। अभी तो दौरे पड़ने के बाद हम मरीज को HDU में भर्ती कर रहे हैं, वो एक तरफ ICU होता है। अधिक बीपी बढ़ने से दिमाग के नसें फटने का खतरा रहता है, छाती में पानी भर सकता है, किडनीज भी खराब हो सकते हैं, और आंख भी खराब होने का खतरा रहता है। तो और बच्चे जो बच्चे को अगर खून का बहाव कम होता है, बच्चा अचानक भी पेट में खत्म हो सकता है, तो ऐसे में जब बच्चा अभी तो ठीक है, अभी ठीक है बच्चा, अभी ठीक है, तो अधिक बीपी होने से हम मरीज को दवाई देकर दर्द उठाने की और डिलीवरी कराने का हमें काम करना पड़ता है, सो दैट कि वो बीपी कंट्रोल हो जाए, डिलीवरी होगी उसके बाद ही बीपी कंट्रोल होगी। अगर अपने आप से दर्द नहीं आता है या फिर अगर बच्चे की कभी भी धड़कन खराब होती है, तो हमें ऑपरेशन भी करने की जरूरत पड़ सकती है। तो यही चीजें इसमें लिखी हुई है, आप ये पढ़ लीजिए, कंसेंट बोलते हैं, फिर आप साइन कर दीजिए। सहमति? हाँ, ठीक हो जाएगा आपका मरीज, ठीक है अभी मरीज आपका।
मैम पेशेंट इज हैविंग सीजर अगेन, प्लीज कम फॉर हेल्प, पेशेंट को फिर से सीजर आ रहा है। ओके द सीजर हैज पास्ड ऑफ सिस्टर, आप इंजेक्शन मैक्सिमम दे दीजिए जरा 2 ग्राम आईवी स्लो। मैम मेरी बीपी इज 152/98। सिस्टर एक इंजेक्शन लो बेटी दे दीजिए 20 एमजी आईवी स्टार्ट। यस मैम। मैम 2 ग्राम आईवी मेक्सोबेट गिवन, 20 मिलीग्राम आईवी लोबेट गिवन। ओके तुम ठीक हो अब गरिमा? ओके ओके सिस्टर कैन यू टेल मी हाउ मैक्सवेल इज प्रिपेयर्ड? इफ यू वांट टू मेक इट फॉर प्रिचार्ड रेजिमेन और फॉर ज़ूसपैन रेजिम, हाउ डू यू प्रिपेयर मैक्सवेल, कैन यू प्लीज टेल अस? So for Pritchard regime, we give a total of 14 grams of loading dose to the patient, which is then followed by maintenance doses of 5 gram and alternate buttocks every 4 hours after ensuring adequate output respiratory rate and bilateral nature. So when we are giving 14 grams of loading dose, we give separately into two parts. We give 4 gram intravenously as 20% weight by volume concentration, and the other 10 grams is given intramuscularly at 50% weight by volume concentration. So for the preparation of the mexulfate 4 gram intravenous dose, we here have a 10 ml vial at a hospital of mexulfate. So every 2 ml of the mexulfate contains 1 gram of mexulfate at 50% weight by volume concentration. When we are giving intravenously, we need to dilute this concentration to 20% weight by volume. So when we give 4 gram, that is 8 ml is taken from this vial and it is diluted with 12 ml of NS in order to make a concentration of 20% weight by volume, which gives us a solution of 20 ml, which is then injected to the patient over 5 to 10 minutes. The other 10 grams of the mexulfate is given to the patient as 5 grams in each buttocks. So 5 gram of mexulfate means 10 ml from this vial is taken and it is mixed with 1 ml of 2% lignocaine and it is given in both the buttocks of the patient. However, in ZUSPAN regime, we give the 4 gram intravenous loading dose as it is, but the maintenance doses is actually given as 1 gram per hour infusion to the patient, which is actually made by taking 2 vials of the mexulfate. That is, we take 20 ml of the mexulfate and dilute it with 30 ml of NS in order to make the 50 ml solution, which is given as infusion to the patient.